अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर जो चैप्टर नंबर 11 चैप्टर जो नालो आहे बायो एनर्जेटिक्स बायो एंड एनर्जी जी गाल आहे। बायो माना लाइफ एनिमल्स प्लांट्स माना जिंदा लिविंग थिंग्स, एनर्जी रिलेटेड जो कोशिश आ बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी, ट्रैपिंग माना कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी माना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, भला समझाऊं, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड यूटिलाइजेशन माना यूज ऑफ दैट एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक। वेरी गुड। दफो प्लांट्स की गाल था पे तो प्लांट्स में सपोज प्लांट्स और सलाह तुम दिया है, प्लांट्स सनलाइट जेका हुंदी आहे उनखे ट्रैप कंदा आहिनि माना जज़ब कंदा आहिनि। ट्रैपिंग लफ़्ज़ जेको इस्तेमाल था कयूं, ट्रैप करणु माना जज़ब करणु, कैप्चर करणु, वटणु, पकड़णु। प्लांट्स सनलाइट कैप्चर कंदा आहिनि, इहा ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी आहे, सोलर एनर्जी ट्रैपिंग बाय द प्लांट्स। ऐं प्लांट्स उनखे कन्वर्ट कंदा आहिनि उन सोलर जी एनर्जी खे इंटो केमिकल एनर्जी या इंटो फूड एनर्जी माना ग्लूकोज में सपोज कन्वर्ट करे छॾियूं। एंड वरी उनजो यूटिलाइजेशन माना जो यूज कंदा आहिनि, छो त ग्लूकोज जेको हूंदो आहे वरी उहो ऑक्सीडाइज थींदो आहे, ॿरंदो आहे सेल जे अंदर ऐं एनर्जी जेको आहे सो ॾींदो आहे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। त हिकिड़ो दफ़ो वरी बाबा, बायो एनर्जेटिक जेका छा दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ दैट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड यूटिलाइजेशन माना यूज ऑफ दैट एनर्जी। But it occurs, if it occurs in the living system, this is called bioenergetics. Suppose जेकर ऐसा था कहूँ, तो जेकर वह sunlight को dead material जो का वह sunlight absorb तो करे ना कि convert तो करे चले वह solar energy के into heat energy. Suppose का धरती आए को पानी आए या को wood आए को iron आ लोहा है वो गर्म थी वह है solar energy ते तो यार जेकर ऐसा convert ना energy आ सोलर एनर्जी खे इंटू हीट एनर्जी या वरी जेका सोलर प्लेट्स आहिनि उहे सोलर प्लेट्स जेका हूंदियूं आहिनि उहे हिन एनर्जी खे कन्वर्ट थियूं कनि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेका आहे असां वरी साउंड एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट थी थिए या लाइट एनर्जी, छो त हुन ते असां सपोज बत्ती था ॿारियूं, हुन ते असां पखो था हलायूं, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट थी वई, या असां हुन ते जेको आहे टेलीविजन था हलायूं या ॿी का डिवाइस था हलायूं जंहिंसां आवाज़ थो पैदा थिए, त उहा सोलर एनर्जी हिकिड़ो दफ़ो कन्वर्ट थी छा में इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वरी कन्वर्ट थी इंटू साउंड एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या इंटू लाइट एनर्जी। त इहे जेके ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी आहे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आहे इंटू नॉन लिविंग सिस्टम हुनखे थो करे, त छा इहा बायो एनर्जेटिक आहे? बिल्कुलु बि न आहे। हालांकि उहा बि जेका असां छा आहे इहा बि जेका असां ट्रैपिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आहे, पर बाय द लिविंग सिस्टम अचे तॾहिं आहे बायो एनर्जेटिक्स। त बायो एनर्जेटिक्स छा आहे? ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी बट इन द लिविंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। पुट सम्झ में ॻाल्हि अची वई आहे? इहो बिल्कुलु तव्हांखे यकीन सम्झ में अची वई हूंदी त बायो एनर्जेटिक्स जेको आहे सो छा आहे। बायो एनर्जेटिक जेका आहे सा एनर्जी रिलेटेड शयूं आहिनि, सो बि लिविंग थिंग्स सां या प्लांट सां। पर मुंहिंजे ख़्याल में त इहो जेको चैप्टर जो जेको तारीफ़ आहे उहो तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि अची वई हूंदी। उन खां पोइ अचूं त रोल ऑफ एटीपी, रोल ऑफ एटीपी, रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। तो एटीपी जेका असां छा आहे? एनर्जी करेंसी आहे। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माना एडिनोसिन जेका आहे, एडिनोसिन छा आहे? एडिनोसिन हिकिड़ो न्यूक्लियोटाइड हूंदो आहे। एटीपी हूअं बि हिकिड़ो मोनोन्यूक्लियोटाइड आहे, पाण पढ़ी आया आहियूं पहिरें या ॿिए चैप्टर में। त ए फॉर एडिनोसिन माना न्यूक्लियोटाइड आहे जंहिंमें टे फॉस्फेट आहे, माना थ्री पी पी माना टे फॉस्फेट मालिक्यूल आहिनि।
इहो जना हिकड़ो फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन एटीपी खां जमे ट्रे फॉस्फेट आयन वांगा हिकड़ो जना रिमूव थिंदो आहे त बाकी वनी बचने ने ब एटीपी माना डायफॉस्फेट माना ब फॉस्फेट आयन प्लस एकडी पी जका सा अलग थी वई एंड इन में जा सके एनर्जी मिलंदी आहे जना एटीपी जका हुंदी आहे उन मां एक फास्फोरस रिमूव हमेशा याद रहे त एनर्जी जका यूजेबल एनर्जी जका हुंदी आहे जका काबिल इस्तेमाल ही जा जना फास्फेट एटीपी के ट्रे फास्फेट मां एकड़ो फास्फेट जो पासन के रिमूव कंदो आहे त रिमेनिंग वनी डायफॉस्फेट उन ब फास्फेट बचंदा ए एकड़ो फास्फेट रिमूव त फास्फेट जे रिमूवल सा जको आ सो ना एनर्जी छांदी आ ए बाकी उनी एडीपी बचंदी त एटीपी छा है एटीपी हते जो पासो ता संदो थे ब है ना माना ब फास्फेट है ट्री पर वेवी लाइन समझो एकडी फर्जी लाइन कडल आ है त ओहा एनर्जी के जो पासो माना ने एकडो को करंट छ त करंट जो पासो ना वेव में जो पासो असा दिखाई ना ते वेवी लाइन जका असा यो करंट जो पा माना एनर्जी जनरेशन थी दिखा रहे एनर्जी के जो पासो थी शो करे तड़े तरीके सा एकडो जकर एटीपी जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल थिंदो है त 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी एकडे मॉलिक्यूल पर मोल या एकडे मॉलिक्यूल जे यूज सा 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पैदा थी दिया है जका अवेलेबल हुंदी आ टडोर मा इते बेटा नंडो अर्ज कंदो हला त एटीपी ठीक आ इट इज अ यूजेबल केमिकल एनर्जी जका ग्लूकोज ऑक्सीडेशन सा ठंदी आ वरी जो कासो इस्तेमाल थिंदी आ त टीपी मना डीपी थी विंदी आ हो पंज जाय ते पर असा इन के एज एनर्जी करेंसी छो चवंदे एनर्जी करेंसी करेंसी ते जो है पैसे रोकड़ के करेंसी छा के जो है पैसो रोकड़ ए एनर्जी करेंसी आ है दैट मीनिंग इट इज इन क्विक यूज तकड़ी है फौरी यूज में है क्विक यूज में है जी करेंसी फौरी या क्विक यूज में हुंदी है छो तो रोकड़ पैसो जो कहंदो है जका पेपर मनी जका है हो तो एनर्जी तो असि बेन शहर में भी मौजूद है असो सोन में मौजूद है असो पासो लॉकेट है ढो 1.5 लाख रुपये जो पर जरा भी असो पासो वही लॉकेट मजा तो का खरीद को कंदी या का मेडिसिन को जो पासो भी काशे वी तो अस उन यो न चवंदी तो बाबा हि या मोबाइल में जो असो नेट जो पैकेज था करा मंथ वो जो असो 1000 रुपये में तो कोई चवंदी तो मजा जो असो कट वो नोट एक दींदी पनो था दूँ तू वे तो पर नो वे छो तो फोरी यूज में जका है सा वो पेपर मनी हुंदी है पेपर मनी वो फोरी यूज में हुंदी है तो चवण जो मकसद ये होतो त ही जका न क्विक यूज में आने जे करे एटीपी के चबो आ है एनर्जी करेंसी ए या एनर्जी करेंसी जेतरा भी केमिकल रिएक्शन सिना है ना सेल के अंदर उनन सबनी रिएक्शंस में या त यूज थी दिया है या करा उन में जा पैदा थी दिया छो त जे केमिकल रिएक्शन होना है ना एकड़ा एक्सर्गोनिक रिएक्शन सरपाने जा एंडर्गोनिक रिएक्शन होना है एकड़ा चाहो ना एंडर्गोनिक रिएक्शन सर एंडर गोनिक रिएक्शंस एंडर्गोनिक एंड आउंदा ने एक्सर्गोनिक उन में सबनी में इस्तेमाल थी दिया है एटीपी आई कुछ में ठंदी आ है कुछ में वेरी यूटिलाइज थी आ माना यूज थी आ एंडर्गोनिक रिएक्शंस एंड क्या होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बेटा ता थोड़ी घणी केमिस्ट्री पढ़ना हुंदा यकीनन पढ़ना हुंदा एकड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन बता दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यो हुंदो है जना ब जकन से केमिकल्स पाने मिलाइंदा हो जहां भी गिलास में या का टेस्ट ट्यूब में या का बीकर में विझंदा हो तो ओ ब अलग अलग केमिकल बिल्कुल नॉर्मल रूम टेंपरेचर ते न को गरम है न को सर्द है पर जना मिलाइंदा हो तो अटो गरम थीदो कंटेनर ते गरम की ओचतो थियो ओचो जो का गरम थियो या वरी ब जकन से करा केमिकल्स पान में गड मिलाइंदा हो तो एकदम सा ओ जो को कंटेनर हुंदो बर्फ जड़ो थदो थीदो जो को थदो थी तो वने पियो यो एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे ए जो को कंटेनर गरम थो थे बिन केमिकल जे मिलन सा त ओ सर्व आहे एक्सोथर्मिक एक्सो माने बाहर निकरे थर्मो हीट एक्सोथर्मिक वारो मा ता के सदा एकड़ो सादो मिसाल लीनो
तो बड़ी शे मिलो था सपोज जो आम सादो जो चूनो वाइट वॉश दीवार के कहना चूनो भी चवंदा सेड़ी भी चवंदा वो वी कर बाल्टी में विझी करे मथा थोड़ो जो सो बकोपा पानी जा विझूं पानी भी नॉर्मल थदो आम आए वो भी थदो हथ पे हल तो नरम आए थदो आ माना गरम ना है। हाने जने मिलाइंदासी त ता दिसंदो त एकड़ो रिएक्शन अंदर थिंदो आ एकदम सा वो जो है ना गरम गरम जो सो थी विंदो बाय का 100 डिग्रीज का मत भई न को सा डाको पासे से में का बाय बारी आ न को जाए सफा गरम पड़कंदो आ बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर जो 100 है पर म्यूश मिनरल्स वगैरह बे उठो तो अजा वधिक हो मतलब अबो 100 हो यो के ता जी यो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे जमे हीट बाहर खार थी पर के ब छ पाने मिलाई ना हूं त सफा थदो बर्फ जड़ो जो पासो तो यो री एंडोथर्मिक रिएक्शन है इते कुछ ही है एकड़ो एंडरगोनिक रिएक्शन से कड़ा होना बे एक्सर एंडरगोनिक रिएक्शन से उहे चवना हूं जे के अंदर वठन एनर्जी एटीपी जो यूज कन जी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस आ फोटोसिंथेसिस जो को है वो एंडरगोनिक रिएक्शन इन मजा इन में एनर्जी हूं तो खैर कुछ मिलंदो है कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स पर वधिक खर्च थे ना ताजे करे ज्यादा खर्च थी दो है ताजे करे यो एंडरगोनिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस आ फोटोसिंथेसिस ता खबर है यो कड़ो प्रोसेस आ ग्लूकोज ठण वारो आ उन करे इन प्रोसेस के एनाबॉलिक प्रोसेस से वो एनाबॉलिज्म एकड़ी हुंदा कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज जो बण जो को है वो कैटाबॉलिज्म आ ग्लूकोज टर्न बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यो कड़ो प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस आ एनाबॉलिज्म तो एनाबॉलिज्म यानी फोटोसिंथेसिस यो एनाबॉलिज्म एना बो लिज्म अन्या ना समझाऊं तो फोटो सेंथेसिस जो प्रोसेस यो एनाबॉलिज्म है या एनाबॉलिक प्रोसेस आ इन में एटीपी ठंदी भी आए जनरेट थींदी आ याद रहे पर जे कने सपोज पंज मॉलिक्यूल जो कासो ठान था त 10 मॉलिक्यूल 15 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल एटीपी जा यूज सिना मना एनर्जी जे कासा वधिक एटीपी जा मॉलिक्यूल वधिक जो कासो यूज सिना यूटिलाइज सिना तरह तरीके से फोटोसंस एनाबॉलिज्म प्रोसेस यो एंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक जब एनर्जी मिले यो एंडरगोनिक एंडरगोनिक रिएक्शंस मना दोस इन विच एटीपी मॉलिक्यूल एक्सरगोनिक एक्सरगोनिक रिएक्शंस आर दोस एक्सरगोनिक आर दोस इन विच एटीपी इज जनरेटेड ताके मिले फोर सारा एटीपीज मिलन आ एकड़े ग्लूकोज बरन सा ताय खबर एटीपी सा के नेट गेन में घणा मिलंदा हन 36 नेट गेन में ठंदा 38 हन पर नेट गेन में ता के 36 एटीपी जे पासो मिलंदा हन त माने एटीपी जे को आसो ता के बाहर मिलन केतरे मॉलिक्यूल बाबा खण छा याद कंदो तड़े तरीके सा एक्सरगोनिक माने एक्सो माने बाहर एटीपीज ने करन जिया जिया एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक माना ग्लूकोज जो बर्न वारो अमल को वो एरोबिक हो जाए एनारोबिक अलग गाल है तो एनारोबिक में थोड़ी घट एनर्जी छांदी पर ठांदी जरूर है तड़े तरीके सा यो जो को ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जहां के तमा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चंदा है क्या चंदा है ऑक्सीडेटिव लिखा छा ए ग्लूकोज ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन एग्जांपल जेहने जो एग्जांपल है ना फोटोसिंथेसिस देन एक्सरगोनिक जो एग्जांपल जो को है वो है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एरोबिक या एनएरोबिक भी एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इनके बेलसन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चाहे हम ना हूं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन फास्फोराइलेशन है एटीपी जो ठान के फास्फोर हूं एटीजन के चबो फास्फोराइलेशन ए रिमूवल के चबो है एटीपी मा जन है का फास्फोरस रिमूव थे वो है डी फास्फोराइलेशन एटीजन ऑफ द फास्फोरस वो है फास्फोराइलेशन रिमूवल डी फास्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इते फास्फोराइलेशन मकसद बनी जो एटीपी जनरेशन
आए फास्फोरस यानी माना है एडिशन ऑफ द फास्फोरस छासा एडिशन एडीपी सम द रिजल्ट एटीपी माने एटीपी जब छण कैसा फास्फोरस यानी चीज हम का ऑक्सीडेटिव फास्फोरस यानी छता जाऊं इने के करे था जाऊं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन छ तो ग्लूकोज जो कन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हु ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन छ होना या ता के ते गाल समझन में अचीविंग दी हु ता खबर है तो ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन चाहे ग्लूकोज बर्न ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आ ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आइसन में ऑक्सीडेशन है लॉस और रिडक्शन चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो है रिडक्शन आई के नहीं आई तो अड़े तरीके से एक्सर्गोनिक रिएक्शन ये जो को एरोबिक ब्रेकडाउन है एनएरोबिक ब्रेकडाउन माना ग्लूकोज के पहला अमल जाके तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन चंदा चौथे एनर्जी चंदा एटीपी आई के अच्छी वही गाल समझ में और ना क्या बात तो फोटोसिंथेसिस यो एंडरगोनिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस फोटो माना लाइट यानी सनलाइट सिंथेसिस माना फॉर्मेशन छाजी सनलाइट के मौजूदगी में ग्लूकोज की फॉर्मेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस की ये समराइज सेल इक्वेशन है जना भी पान प्लांट में ऑटोट्रॉफिक की गाल करना है तो ग्लूकोज ठाईंदा आहिनि छा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लांट्स वट सिर्फ सलाहियत आहे ग्लूकोज ठाहिण जी या प्लांट्स ॿिया कंपाउंड बि ठाहींदा आहिनि या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जेको आहे सिर्फ़ ग्लूकोज ठहंदो आहे प्लांट्स वट ॿिया कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड माना अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ठाहिण जी सलाहियत बि आहे एंटीबायोटिक्स ठाहिण जी सलाहियत बि आहे उहे बि एंटीबायोटिक्स बि ऑर्गेनिक कंपाउंड हूंदा आहिनि पर यादि रहे जेकर सवाल पुछजे त छा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स ओनली प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड द ग्लूकोज जवाब आ यस फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल सिर्फ ए सिर्फ ग्लूकोज ठांदो आ जके ता स्टार्टर कंपाउंड चवंदायो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज ठांदो आ सिर्फ ग्लूकोज ठांदो आ पर प्लांट जे कंदा आ बे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिठाइंदा पर फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज ठाइंदा आ एंड ग्लूकोज जे ठहण यो ऑर्गेनिक कंपाउंड यो स्टार्टर कंपाउंड आहे बाकी इन खां बाद इन जा कुछ जेके आहिनि से वरी बेन रिएक्शंस इन के जेको सो ब्रेक डाउन टोड़े मरोड़े उन में बिया जेके आहिनि से ठहंदा पर फोटोसिंथेसिस जी बहरहाल या प्रोडक्ट आ त असां वट आहे त फोटोसिंथेसिस एज एनर्जी ट्रैपिंग एनर्जी के ट्रैप कंदो माना सोलर एनर्जी ट्रैप थींदी एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस आ छो त सोलर एनर्जी के जो पासो वरी कन्वर्ट कयो वेंदो आहे इनटू केमिकल एनर्जी तंहिंजे करे चइबो आहे त फोटोसिंथेसिस एज एनर्जी ट्रैपिंग छो त सनलाइट खे ट्रैप कयो थो वञे एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस आ उन यानी सनलाइट खे केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी में जेको आहे कन्वर्ट कयो थो वञे तंहिंजे करे एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस बि आहे हाणे असां चऊं त टॉपिक आहे असांजी त रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स छा जा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस जा फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट्स कहिड़ा आहिनि कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर उहे त आहिनि आहिनि पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के भी रिएक्टेंट चयो थो वञे प्रोडक्ट्स कहिड़ियूं आहिनि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्लूकोज ऐं तव्हांखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे एज एन एंड प्रोडक्ट जेका एनवायरमेंट में एयर में जेका ऑक्सीजन आहे उहा फोटोसिंथेसिस जी एंड प्रोडक्ट आहे या फोटोसिंथेसिस जी प्रोडक्ट आहे क्लियर हाणे असां हे जेके रिएक्टेंट्स आहिनि उन में वन बाय वन जो जेको आहे असां रोल ॾिसंदा हलूं पहिरियों ॾिसूं त वॉट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टॉपिक्स आहिनि प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करण खां पहिरियों असां वटि न इहे नंढियूं नंढियूं टॉपिक्स आहिनि त हिन रिएक्टेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड त वॉट इज द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस बेटा फोटोसिंथेसिस में असांखे मिले छा थो रिज़ल्ट छा आहे
ग्लूकोज ताय खरा था कार्बन डाइऑक्साइड जो कासो हम ग्लूकोज घन एलिमेंट जो कासो कंपाउंड आ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन त्रे कार्बन डाइऑक्साइड और घना हिब कार्बन एंड ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड के कासा कार्बन है ऑक्सीजन जो सोर्स है या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया है तो स्केलेटन ढांचो मना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे एंड वाटर व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस During photosynthesis, water is only used as a source of hydrogen. Hydrogen जो source है, hydrogen donor है. सिर्फ hydrogen खपे, glucose ठंड चलाए, carbon and oxygen जैसा ऐसा मौजूद है. सिर्फ जहाँ खपे hydrogen खपे. That hydrogen needed for the formation of the glucose comes from hydrogen needed for the formation of the glucose that comes from That comes from water, पानी माई दिया पानी की हे ताने जो बांड टूटो ऑक्सीजन अलग ही ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में टूटी H2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन जो अड़े तरीके से फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में ठहंदी पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्लांट बॉडी वटा रिलीज ना थी O2 के फॉर्म में माना मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज थी छो तो वाटर मॉलिक्यूल टुटो वो बो भी टुटो वाटर मॉलिक्यूल टुटा रहा तो ऑक्सीजन जटम मिली कर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट थी कर रिलीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोडक्शन उनकी एटॉमिक फॉर्म में रिलीज कड़े फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में ध्यान दींदा वॉटर ब्रेक हाइड्रोजन होंगी कंबाइन कहती वे हाइड्रोजन कंबाइंस विद जेकर मुझे कैमरा में देखा तो सके हाइड्रोजन ऑफ द वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड तेदा ठेयो छा हाइड्रोजन अचियो त कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ठेइंदो एंड ये हमारी जो ऑक्सीजन है वो माहौल में बाहर खारिज थींदी त जेको ऑक्सीजन बाहर निकरंदी है माहौल में खारिज थींदी है वा वाटर वाली ऑक्सीजन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाली बार वाली चवंदा है कार्बन डाइऑक्साइड वाली मार कैमरामैन सोचे तो का छो तो O2 तो दिसे ना पियो बाबरा कार्बन डाइऑक्साइड वाली ना है ऑक्सीजन दैट रिलीज इन द एनवायरनमेंट ऑक्सीजन रिलीज इन द एनवायरनमेंट दैट कम्स फ्रॉम वाटर मार्ज कर चुको हां हते तान सुदा O2 की सूरत में तना था जो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली बाबड़ा है एटॉमिक फॉर्म में पैदा थी थी दो वाटर मॉलिक्यूल टूटरंदो तो ब मिली करे O2 ठेई दो रिलीज नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द प्लांट बॉडी कम्स फ्रॉम वाटर ठीक है हाने ते है ठीक थो एल एलिमेंट जे के पूरा था ट्रे वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में पूरा था तो पोते सनलाइट जो कड़ो कर दो व्हाट इज द रोल ऑफ द सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस बेटा सनलाइट जो रोल जो है सनलाइट स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर सनलाइट है जो स्प्रेड चौंदन तो वाटर ब्रेक थी दो केयर ब्रेक कर दो सनलाइट सनलाइट जो रोल फोटोसेंस में सिर्फ हों दो आये कि स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर जो कोम रोल ना है टेम्परेचर के इंक्रीज करें भी ड्राइव भी ठीक जो वो आये कड़ी नहीं डाला पर सनलाइट जो रोल ऑफ द सनलाइट इज कैट सनलाइट इज यूज टू स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर क्लियर उन शॉर्ट में था गल क्लोरोफिल जो रोल भला दे कड़ो क्लोरोफिल जो पासो याद रहे द सनलाइट स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर बट द सनलाइट हैज अ नो एबिलिटी टू स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर डायरेक्टली सनलाइट वट या सलाहत नहीं टू स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर डायरेक्टली और डायरेक्टली जो पासो बॉन्ड ऑफ वाटर ब्रेक न कंदिया सनलाइट थ्रो क्लोरोफिल कंदिया वो प्रोसेस वगैरह छन वो इंशाल्लाह जो कोन पण समझंदा सी क्लोरोफिल जे मार्फत जो पासो सनलाइट स्प्रेड द बॉन्ड ऑफ वाटर थ्रो क्लोरोफिल आई वो छा किरदार अब ते इंशाल्लाह ता जो पासो यकीनन समझंदा आई क्लोरोफिल सिर्फ है सिर्फ क्लोरोफिल इस्तेमाल न थी दिया क्लोरोफिल सिर्फ है सिर्फ क्लोरोफिल इस्तेमाल न थी दिया अदर पिगमेंट्स वोनियन ज़ेंथोफिल कैरोटीन फेलोफाइटिन वगैरह उए भी इस्तेमाल थी जो आइन या खबर था के यूं भी जेके इनसे पिगमेंट्स वोनियन प्लांट पिगमेंट्स सिर्फ क्लोरोफिल काफी ना है अदर पिगमेंट्स आर
also needed the help in the process of the photosynthesis. मतलब जो तो ऐसा सिर्फ चाहता हूँ तो क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट वही काफी हूँ दिया है that plays the role in the process of the photosynthesis. पर याद रहे तो अदर पिगमेंट ये क्या होंगे जी हाँ जेंथोफिला कैरोटीन है क्लोरोफिल ए तो जो है बी वो क्लोरोफिल जो या फेलोफाइटिन कैरोटीन ये पिगमेंट एक अदर पिगमेंट्स हैं दे आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सिर्फ क्लोरोफिल ना काफी है क्लोरोफिल सिर्फ काफी ना है तो फोटोसिंथेसिस लाई आई काफी है नो अदर पिगमेंट दे आल्सो हेल्प कैन यू कैन वो नेक्स्ट टॉपिक में जो कासो पढ़ांदा सी. पर असन जनाब लिखो है तका भी लीफ जो कलर भी ग्रीन हों है या जर उनकी एक्सट्रैक्ट कढ़ा निचोड़ कढ़ा लीफ की जूस कढ़ा तो उन खबर पे तो ग्रीन है जर अस लीफ के निपुड़ी था लीफ के प्रेस था क्यों या साइंसी तरीके से एसीटोन जो इस्तेमाल करें जो अस उनकी ग्रीन जूस था कढ़ पन में जूस था कढ़ा वो भी ड्रॉप ब ड्रॉप हों ग्रीन कलर जो हों चाहूँ सिर्फ क्लोरोफिल पर ग्रीन कलर में बू भी नंढड़ो आ मिसाल जर सपोज अस ग्रीन इंक की पार्ट खड़ू कुपड़ी खड़ू उनमें असा जो सो बटे ड्रॉप्स येलो जहा वो उनमें ब्लू जहा वो उनमें रेड जहा वो पर ताकि ग्रीन घनी इंक खबर ही न पवी है तो वह कढ़ासी तो वरी भी ग्रीन ही महसूस थो पर अस जै येलो जहा कुछ ड्रॉप्स उनमें ग्रीन इंक में विधा येलो जहा विधा ऑरेंज कलर वे जहा विधा रेड वे जहा विधा वगैरह अस खबर तो है तो इनमें है पर उनको अपियरेंस जो हूँ वो ग्रीन ही बीहंदी बाबड़ा ने लीव्स के अंदर अदर पिगमेंट्स भी हैं उन्हें जो एविडेंस कें दींदी एविडेंस फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अदर पिगमेंट्स भी हैं उन्हें जो सो हम एविडेंस लिखो पेपर क्रोमेटोग्राफी वो प्रोसेस इस्तेमाल पेपर क्रोमेटोग्राफी ग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी वो जो सो प्रोसेस इस्तेमाल है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर पेपर इन उन पेपर के इस्तेमाल से असई पिगमेंट्स सेपरेट कंदासी दिस प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ अदर प्लांट पिगमेंट्स दिस इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी किए कंदासी छा कंदासी त अस तिन लीफ की एक्सट्रैक्ट जूस खणंदासी वह या तो असान लीव्स कुछ खड़ी कर एसीटोन केमिकल विजासी तो जूस निकली या सादे तरीके से कुछ लीव्स खड़ी असो पेस्टिल एंड मोर्टर में कुटी पेस्टिल एंड मोर्टर जो डंडी कुंडी उन पेस्टिल मोर्टर में जो सो लीव्स के कुटी साफ पानी निकली उनो या ब ड्रॉप जो है वो पेपर के रखो सपोज असो जो सो पेपर है ब्लॉटिंग पेपर आ इन सेंटर ड्रॉप विधो तो मुख्तलिफ जेतरा भी कलर पिगमेंट्स होंगे उ साइज वगैरह डिफरेंट होंगी वो मालिक्यूल हों भजन शुरू कर सपोज येलो वा जो सीधा अचन एसी तया ग्रीन वा अगते येलो ग्रीन वा ब्लू ग्रीन वा ऑरेंज वा ग्रे कलर वा मालिक्यूल भजंदा वा सिंपली मिसाल फाउंटेन मस वाली पेन का सादे पेपर पर रखा टच कराई मस हाँ टिड़ी है बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर से वो जो साओ ग्रीन लीफ जो जूस है वह हिं भजन शुरू थी उन सेंटर वे रेंज का ग्रीन वा सपोज एसी तीह येलो वा अगते रहन अना जो सो ग्रे कलर वा एसी तीन येलो ग्रीन वा एसी तीन इन पेपर से जो है सो अलग अलग पट्टा ठही वा छो तो हर कहीं मालिक्यूल की साइज शेप जो लाइट वेटेड हों परे परे तीन जो गरा गरा साइज वा हों वही बी रहा अलग अलग रंग जो पट्टी जो जाहिर थी पवन जाहिर कहती या पेपर क्रोमेटोग्राफी से खबर पवी तो इन पिगमेंट जो सिर्फ ग्रीन भी महसूस थे इन में अदर पिगमेंट्स यो पेपर में क्रोमेटोग्राफी वाले से खबर पवी पर अदर पिगमेंट दे आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस बेटा इतने खत्म था क्यों तेसी तीन यामीन खान के इजाजत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.